कोटद्वार में पटवारी लेखपाल भर्ती आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पौड़ी के 3 शहरों में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य किया। वहीं कोटद्वार से परीक्षा देकर निःशुल्क बस से श्रीनगर लौट रहे युवाओं को शाम को बस अड्डे पर छोड़ दिया गया, जिस पर पत्रकार भगवान सिंह ने फोन के माध्यम से जिला प्रशासन को मिलने पर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने तत्काल RTO अनीता चंद को अभ्यर्थियों को घर वापसी को लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर आ रही एक बार फिर से पेपर लीक होने की खबरों से अभ्यर्थी हताश दिखे। वहीं मौके पर CEO सदर प्रेमलाल चमचा, SI पूनम शाह समेत राज्य आंदोलनकारी लीला ढोंटियाल इस दौरान मौजूद रहे। कोटद्वार से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अच्छा गया है और इन वो जो पेपर दे के आया वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आधे आधे बीच में ये पेपर लीक हो रहा था। अगर लीक हो रहा है पेपर तो पहले ही क्यों नहीं हुआ, पेपर के मतलब पेपर देने के बाद बोल रहे हैं लीक हो चुका है, ऐसा होता है क्या? क्या लगता है आपको जो पेपर जा पेपर लीक हो गया तो उम्मीद क्या करें? नहीं नहीं जो तो बोल रहे हैं कि लीक हो गया। DM साहब की तरफ से RTO मैडम निर्वाचन को इन्फॉर्म हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। जब तत्काल हमें सूचना दी तो जो हमारे सारा स्टाफ जो जा चुका था सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद एकदम से हम लोगों ने जितने भी हमारे यूनियन थे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे बसों से सबसे संपर्क करने का प्रयास किया, और हम स्वयं इधर आ गए तो हमने दो गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था। यहाँ पर कुल 17 बच्चे थे और 2 लैक्स हमारे पास थी और बाकी हम एक और नंबर भी लेके आ गए थे।